आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष एवं भगवान पार्श्वनाथ के 2900वें जनकल्याणक श्री शांति सागर जैन धर्मार्थ औषधालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार के निर्देशन से अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेंद्र सिंह सिंह, डॉक्टर संचन यादव, डॉक्टर नेहा कसेरी, डॉक्टर क्षेत्रपाल सिंह, फार्मासिस्ट प्रवेश कुमार सिंह, वार्ड बॉय सचेंद्र कुमार एम ए खान, विजय शंकर, योगाचार्य शिवा पाठक मरीजों को उचित परामर्श देकर दवाइयों का वितरण भी किया। सर्वप्रथम शिविर का उद्घाटन माननीय मुक्ता राजा शहर विधायक नरेंद्र कुमार, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने आचार्य श्री शांति सागर महाराज के चित्र की समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में लगभग 290 मरीजों ने लाभ उठाया। अध्यक्ष संजय जैन, मंत्री सौरभ जैन पांड्या ने बताया कि धीरे धीरे लोगों में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। लोग आयुर्वेद औषधि लेना पसंद कर रहे हैं। इस आयुर्वेदिक शिविर में दमा, श्वास, गठिया वाय, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, खांसी, शुगर, पथरी, लीवर आदि रोग की जाँच करनी, शुल्क दवा का वितरण किया गया है। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। और मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल तरीके से जब ऊपर से अगर सांस घूमते हैं और इस सांस को ये अपनी बहुत अच्छी बात है। अब हर किसी व्यायाम में आप मार सकते हैं, जैसे मैंने कहा था। अब आप भी कमरे आप देखो, अब आप एग्जैक्ट बता दो मुझे, मुझे बता दो आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब श्वास कब ले रहे हैं, कब छोड़ने, आपको क्या करना है, आगे ऊपर गए होंगे आप, बॉडी पर डाले श्वास को किस तरह का मैं संजय जैन, श्री सांसागर जैन धर्मार्थ औषधालय का अध्यक्ष। आज भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव वर्ष पर और भगवान पार्श्वनाथ भगवान के 2900वें जन्म तप कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आज ये कैंप आयुष विभाग के द्वारा श्री शांति सागर जैन औषधालय में लगाया गया है और इसका उद्देश्य समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने का है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने का है। आयुर्वेद की तरफ से हम लोग औषधालय हमारा जो है करीब 40 वर्षों से हमारा औषधालय चल रहा है और उस औषधालय के उसी के अंतर्गत हमने ये आज कैंप लगाया है जिससे हम समाज के सभी वर्गों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकें। आज ये जांच शिविर लगाया गया, क्या कहेंगे इसको? ये जांच शिविर में ये आयुष विभाग द्वारा लगाया जा रहा है जिसका उद्देश्य पूरी तरीके से पूरे समाज को एक चिकित्सा देख सकें और दवाई निःशुल्क प्राप्त कर सकें। हम इन दवाइयों को बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं जिससे सब मरीजों को लाभ मिले और सब लाभान्वित हो। किस तरह के और कार्यक्रम आयोजित किए गए इसमें? हमने साथ में योगा कैंप लगवाया है, इसमें लोगों को योग से संबंधित जानकारी मिले और योग का लाभ मिले सबको बिल्कुल भी। शांति सागर जैन धर्मार्थ औषधालय आज यहाँ भगवान महावीर के 2550वें वर्ष एवं भगवान पार्श्वनाथ के 2900वें जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी की देखरेख में एवं अन्य डॉक्टरों के द्वारा यहाँ परामर्श दिया जा रहा है एवं दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसका हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ पर सभी वर्गों को यहाँ पर दवाइयाँ मिलें और उनको यहाँ पे जो भी परेशानी है अपनी मरीजों को उनको सब यहाँ डॉक्टर्स के द्वारा परामर्श देकर दवाइयाँ दी जा रही हैं।